हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट जो होता है वो पार्टिकल की तरह और वेव की तरह बिहेव करता है, दोनों की तरह बिहेव करता है। तो हम कह सकते हैं लाइट का कैसा नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? डुअल, यानी कि ये पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। पार्टिकल नेचर को हमने प्रूव किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट से, जिसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और वेव नेचर को हमने कैसे प्रूव किया था? इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन। तो हम जान गए लाइट का डुअल नेचर होता है। तो डी ब्रॉगली ने हमें बताया जैसा कि लाइट का डुअल नेचर होता है, ठीक उसी तरह से मैटर का भी डुअल नेचर होता है। यानी मैटर भी पार्टिकल तो है ही है मैटर, और वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। जी हाँ, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर हम लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, ये हम जानते हैं। ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। कैसे प्रूफ करते हैं यहाँ पर? जैसा कि मान लीजिए आपने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, इसमें मैंने दो स्लिट लिया है, यहाँ पे दो स्लिट लिया है और एक स्क्रीन लगा दी। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन फायर करता तो कुछ यहाँ पर इम्पैक्ट होता, और यहाँ से फायर कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट होगा, बाकी बीच का एरिया तो खाली रहेगा। लेकिन मैंने बार बार इलेक्ट्रॉन को फायर किया तो मैंने देखा कि पैटर्न कुछ इस तरह से ऑब्ज़र्व किया हमने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे कैसे पैटर्न आ गया? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर शो करता है? वेव नेचर। ये वेव नेचर शो करेगा तभी यहाँ पे पैटर्न ऑब्ज़र्व होगा और हमें इस तरह से पैटर्न मिलेगा। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन कैसा नेचर शो करता है? वेव नेचर। तो इसको हमने प्रूफ भी कर दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है, यानी वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया? जैसा कि लाइट डुअल नेचर शो करता है, ठीक उसी तरह से मैटर भी डुअल नेचर शो करता है। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूँ। जैसा कि मान लीजिए कोई बॉल है, बॉल को आपने यहाँ से यहाँ थ्रो किया तो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, यानी कोई वेव नहीं यहाँ पर। लेकिन अगर हम बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी वेव है, लेकिन उसका वेवलेंथ क्या है? बहुत ही कम है। यानी ये बॉल यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही है तो वेव की तरह जा रही है, यानी हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होता है। ये किसने बताया था? डी ब्रॉगली ने। एवरी पार्टिकल जो होता है वो वेव के साथ एसोसिएट होता है। चलिए अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं। डी ब्रॉगली प्रपोज दैट जस्ट एज लाइट हैज़ बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट का बोथ वेव लाइक प्रॉपर्टी और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी होता है, ठीक उसी तरह से मैटर, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स का भी कैसा प्रॉपर्टी होगा? वेव लाइक प्रॉपर्टी होगा। और ये पार्टिकल तो है ये हम पहले से जानते हैं। इज दैट क्लियर? ए वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल, हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होता है। जैसा कि कोई बॉल भी हम थ्रो करते हैं तो वो भी वेव की तरह होके जाती है। उसका वेव जो होता है, वेवलेंथ जो होता है, बहुत ही कम होता है कि हम देख नहीं सकते, लेकिन हर पार्टिकल के साथ क्या एसोसिएट होता है? वेव एसोसिएट होता है। इज दैट क्लियर? ए वेव इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल कॉल्ड मैटर वेव, और उसको हम क्या कहेंगे? मैटर वेव। इज दैट क्लियर? या फिर डी ब्रॉकली वेव। अब जैसा कि एग्जाम्पल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके साथ में क्या एसोसिएट होगा? एक वेव एसोसिएट होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? मैटर वेव। क्या कहेंगे? मैटर वेव या फिर डी ब्रॉकली वेव। अब हम देखते हैं यहाँ पे जब वेव है तो इसका कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगा। जैसा कि वेव है तो वेवलेंथ किसको कहते हैं? दो क्रेस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे जो मैटर वेव है या डी ब्रॉगली वेव है, इसको हम कहेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या कहेंगे? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसका इन्होंने फार्मूला दिया था। क्या फार्मूला दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। जी हाँ, अब जैसा कि हम जानते हैं मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होता है, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? मोमेंटम। क्या ले लिया? मोमेंटम। और लेमडा क्या है? वेवलेंथ। किसका? मैटर वेव का। और एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। पी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एम वी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? और ये क्या है? एच, प्लैंक कांस्टेंट। तो इस तरह से हम किसी भी मैटर वेव की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं बाई यूजिंग डी ब्रॉगली इक्वेशन। इज दैट क्लियर? तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ क्वांटम मैकेनिक्स के और टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।